कारण के मने एम थाय छे के मने जे थोड़ू घणुं हूँ शीखी छूँ एनु जो उदाहरण करीने अने एने हूँ समाज में पाछी आपी शकूँ, बहनोंने पाछी आपी शकूँ, स्टूडंट्स ने आपी शकूँ, मारा इंस्टीट्यूट में आपी शकूँ। ए मारे करवुं छे कि मैं कंईक आप्युं मारा स्वार्थ माटे नहीं, पण मैं आप्युं कारण के मने घणुं मळ्युं छे, घणा आशीर्वाद मळ्या छे। ए आशीर्वादने मारे વધારવાના અને બીજાઓને આપવાના અને સંસ્થા માટે કામ કરવાનું। નામ ઇન્દિરા પરીખ, કામ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ, ધામ અમદાવાદ। જીવનસૂત્ર: જે વિદ્યા સંપત્તિ આપણને મળી છે તેનો સદુપયોગ કરીને લોકોને પાછી આપો। मारो जन्म कच्छना एक नाना गामडामां कोटड़ामां थयो, जे नाना रण अने मोटा रणनी वच्चमां एक नानो जमीननो टुकड़ो छे। पछी नानी हती पछी मारा पप्पा अने आखुं फेमिली कलकत्तामां गयुं अने कलकत्तामां मारा पप्पाए एमना भाईओ जोड़े पोतानी इंडस्ट्री एटले कारखानुं खोल्युं कपड़ानुं। अने आखुं मारो ज्यां सुधी मारा लग्न थया त्यां सुधी हूँ कलकत्तामां ज भणेली छुं। अने मारू भणतर ज्यां सुधी मैं 8मी क्लास में हती त्यां सुधी थयुं। अने पछी हूँ भणवामां एटली होशियार हती कि मारा पप्पाए थयुं कि आ छोकरीने मेट्रिक करावी दो, एटले 8मी में भणती थी अने मेट्रिकनी परीक्षा आपीने हूँ पास थई गई। एटले 14 वर्षे हूँ कॉलेज में गई। मारा फईबानो मारा केळवणी में घणो महत्वनो फाळो, कारण के ए ज्यारे एमने हूँ जोती त्यारे एम लागतुं के स्वतंत्र छे, परणेला नहोता। अने अमारा कुटुंब में पहेलेथी जे बैराओ होय छे ने बधा बहु मिजाजना एकदम सनकी, एटले मारा दादाए एमने परणवानी ना पाड़ी, एटले एमणे कह्युं हूँ परणीश ज नहीं। अने ए फईबा पीएचडी हता संस्कृत में। मारा नाना फईबा जे अहींया वडोदरा में पढ़ेला किशनसिंह चावड़ा ने ए बी पीएचडी संस्कृत में। अने बाकी जे सौथी पुरुष वधारा में वधारे भणेलू ए मेट्रिक फेल, एटले अमारा घर में स्त्रीओ ने भणवा में बहु ज प्रोत्साहन आपेलू। मारा फईबानो एक फाळो, मारा एक काकीनो फाळो। मारा काकी परणीने आव्या त्यारे लगभग 17-18 वर्षना हशे। अने मारा दादी भले भणेला नहोता पण एमनो जे एक करेज कहेवाय, एमने जे एक बोलवानी फ्रीडम कहेवाय, ए कोईनाथी बीए नहीं। अने कायम अमने कहे के बीवानुं तो कोनाथी होय अने जीववुं तो जीववुं ज जोईए, मरीने ना जीववुं जोईए। नानपणथी छे ने अमारा घर में कच्छीओ में खास करीने रंगनू बहु। अने मारा मम्मी एकदम गोरा, हूँ एकदम काळी अने बाकी बधीनी बहनों आम जरा गोरी सरखी, एटले मारे ने मम्मी ने बहु ज ओछू बने, कारण के एमने कायम एम थाय कि आ क्यांथी काळी छोकरी घर में आवी गई। अने कच्छीओ में बी बहु ज छे गोरी चामड़ीनुं। मारा मम्मी छे ने कोई दिवस हारे नहीं, गमे एटली मुश्केलीओ आवे ने ए कायम के रस्तो तो निकळवानो ज, मुश्केलीओ होय एटले रस्तो तो निकळे ज। अने मुश्केलथी हारी जईए तो पछी जीवन में कई रीते आगळ अवाय, एटले ए जातनुं जे कॉन्फिडन्स होय के ए जातनी जे आत्मश्रद्धा होय के गमे एटलुं मुश्केली होय हारवानुं तो नाम ज नहीं लेवानुं। अने पछी घणीवार कहीए ने कि आ तो बहु डिफिकल्ट छे, तो एमनो एक ज शब्द क्षत्रियोने माटे शुं डिफिकल्ट होय, क्षत्रियो तो लड़वा जाए ने जिंदगी आपी दे, एटले जो तमे हारशो तो पछी लड़वा कई रीते जशो। अने जीवन में तो एवा संग्रामों, एवी कठिनाईओ, एटले एने माटे तो घडतर जोईए के तमारे आगळ वधवुं जोईए। જ્યારે હું કોલેજના છેલ્લા વર્ષમાં હતી ત્યારે બસ એક દિવસ કહેવામાં આવ્યું કે હું કાલે મુંબઈ જઉં છું અને પછી અમે લોકો મુંબઈ ગયા કલકત્તાથી અને ત્યારે જવાનું હતું છોકરાને મળવા અને અમારે મળવાનું હતું પછી ગઈ અને એક જ દિવસમાં હું બે જણને મળી एक अमरी नातना हता अने एक अमरी नात बार हता अरेंज मैरेज अरेंज ज हतुं बधुं अने पछी मळीने हूँ तो कलकत्ता पाछी आवी गई अठवाडिया पछी के 10 दिवस पछी एक जण कलकत्ता आव्युं अने ए 3 दिवस अमे लोको कलकत्ता हता अने अमे बधा फरवा जता हता अने आखुं कुटुंबनी बधी छोकरीओ जे हती बधी साथे साथे आवे एटले अमने बात करवानो मोको ज नहीं मळे। एक दिवस गाड़ी में एक दिवसे सांजना एने मूकवा गई अने पछी त्यारे अमे नक्की कर्युं मने कह्युं के गुरुवारे एंगेजमेंट छे मैं कह्युं सारूं पाछी आवी घरे अने मैं कह्युं के आ तो नक्की छे गुरुवारे एंगेजमेंट छे ते ज वखते बीजा कुटुंब जोड़े वात चालती हती अने मोटो पछी घोटाळो पर पछी मैं कहूँ मैं जो नक्की करूँ छे तमे मने चॉइस आपी छे तमे मने कहूँ छे कि तू पसंद कर तो हवे मैं पसंद करूँ छे अने जो के 2-3 कलाक गड़मथल चाली बधाए खूब प्रेशर कर्युं पर पछी ते वखते मारा में हिम्मत आवी गई कि मारे जे मैं नक्की करूँ छे मारा मनथी मारे ए ज करवानुं छे। अमारे तो छोकरी जोईती थी अने खास करीने जीतूने तो छोकरी जोईती थी मने थयुं छोकरो होय तो सारूं अने पछी बहु ज इच्छा हती के एक छोकरी थाय पण सुश्रुत छे अमारे एक ना नानपणमां अमे लोको अगेन भेगा हता तो त्यां तो घणुं बधुं देखरेख ने केळवणी बधी मारा सासू करता हता पर जयरे 2 वर्ष ने 9 महीना न थयो त्यारे अमे लोको पाछा यूरोप गया अने पछी अमेरिका गया त्यारे अमे लोको एक वात अमारा बंने वच्चे नक्की करेली के गमे एटलुं होय अमे एनी सामे जुदा मतभेद के मंतव्य एनी सामे नहीं करीए। पेरेंटिंग ए पेरेंटिंग अमारा बंनेनुं छे अने अमे बंने ज नक्की करी वातचीत करी कई रीते एने उछेरवो छे ए लगभग अमे लोको डिस्कस करिए। अमारा लग्न थया त्यारे हूँ 18 वर्षनी अने बीए बी नहोतुं कर्युं अने जीतुए पीएचडी करी दीधेलुं एटले घणा वखत सुधी ए मने कहे के तू इंग्लिश चोपड़ीओ वांच पछी भणवानुं शरू कर्युं पछी काम शरू कर्युं पछी ट्रावलिंग शरू थयुं पछी एकला एकला परदेश जवानुं शरू थयुं अने बधामां जे प्रोफेशनलिज्म कोने कहेवाय अने एने गमे के ना गमे पर प्रोफेशनल तरीके कई रीते बिहेव करवुं ए कायम मने कहे के तू भले मने नहीं बी गमे पर तू ज्यारे काम करे त्यारे त्यारे पूरेपूरू प्रोफेशनली काम करवू जोईए पछी रातना 12 वागे के पछी 2 वागे के पछी 5 दिवस थाय पर काम जे ते टाइम आपेलो होय ए त्यारे पूरू करवानुं। ते इंस्टिट्यूट में हूँ 71 में जोड़ाई अने मने ख्याल भी नहोतो कि मारे करियर छे के मारे आगळ जीने प्रोफेसर थवुं छे के आगळ जीने शुं थवुं छे एटली खबर हती के हूँ भणी अने भणतरनो उपयोग मारे करवानो छे ने एमने मारे घरे बेसी नथी रहेवुं एटले हूँ अहींया रिसर्च एसोसिएट तरीके जोड़ाई। अहींया आवीने ज्यारे मैं आ वातावरण जोयुं के एक तो भणवानुं वातावरण लर्निंगनुं वातावरण अने अहींना सारामां सारा आपणा इंटेलिजंट हिंदुस्तानमां छोकराओ आवे ए लोको जोड़े वातचीत करीने पछी मने थयुं के ना मारे तो आगळ हजी कंईक करवुं छे अहींया ज हूँ जो प्रोफेसर थाउं तेवुं मारे करवुं छे। पछी काम करता करता 74 में हूँ पाछी फ्रांस गई अमे लोको पाछा आव्या 76 में पछी मन थयुं के मारे हवे पीएचडी करवुं जोईए अने इंस्टिट्यूटे मने खासो सपोर्ट आप्यो छे। ते वखते तो हूँ एम कहती थी के मने सपोर्ट नथी पण हूँ ज्यारे पाछळ जोऊं छुं जीवन में डेफिनेटली मैंने ख्याल है कि इंस्टिट्यूटे सपोर्ट आप्यो छे। हूँ लेक्चरर थी, मारू पीएचडी करू, पीएचडी पछी जे विधि करवानी होय सेमिनारनी वगैरह ए करी अने त्यारथी पछी हूँ आईआईएम में प्रोफेसर तरीके एसिस्टंट प्रोफेसर पछी एसोसिएट प्रोफेसर पछी प्रोफेसर अने एक बी वखत मने लाग्युं नथी के मने मारू जे हकनुं छे ते नथी आप्युं के हूँ जे दिवसे मने एसिस्टंट प्रोफेसर बनावी ते दिवसे मने एडमिशन्स कमिटी में डिरेक्टरे मूकी। पछी ज्यारे मारू पीएचडी ने बधुं पत्युं हूँ सौथी पहली पीजीपी चेरमेन स्त्री तरीके विमेन तरीके सौथी पहली एफपीएम एटले मारा डॉक्टरल प्रोग्रामना चेरमेन तरीके पछी प्लेसमेंट चेरमेन तरीके पछी एलमनाई चेरमेन तरीके पछी कोऑर्डिनेटर ऑफ सीनियर एक्जिक्यूटिव्स 3TP प्रोग्राम एटले जवाबदारी रिस्पोन्सिबिलिटी अने पोजिशन आपवामां मने कोई दिवस एवुं नथी लाग्युं के मने मोडुं मळ्युं छे के मने नथी आपवामां आव्युं कारण के हूँ एक स्त्री छूँ। घनी वार मने एम लगे कि आ तो जवाबदारी कहवाय मारे नथी लेवी पण ज्यारे आवी छे त्यारे मैं ना बी नथी पाड़ी अने ना पाड़ी अने लीधी छे त्यारे मैं जवाबदारी सरखी रीते करी छे। आजे हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में डीन बनी छूँ। तो घनी महत्वनी पोजिशन छे अने ए पोजिशन माटे घनी मेहनत भी करी है। नहीं कि हूँ आ पोजिशन माटे मेहनत करती थी पण जे पोजिशन मळी है एना माटे जवाबदारी घनी है, एना माटे रेकग्निशन मळ्युं है कि मैं आटला वर्षों सुधी इंस्टिट्यूट में काम कर्युं है अने जे रीते काम कर्युं है। आजे हिंदुस्तान में जे लिबरलाइजेशन थयुं है अने केटली बधी मोटी मोटी कंपनीओ अहींया आवी छे, पहेलानी बी कंपनीओ छे, आपणा पब्लिक सेक्टर बी छे जेमां घणी बधी स्त्रीओ आगळ ऊंचा होद्दा उपर आवी गई छे। जेम जेम ए लोको आगळ वधे छे तेम तेम जवाबदारीओ वधे छे, जवाबदारीओ वधे छे तेम तेम ए लोकोने बीजा बधी ऑपर्च्युनिटीज जे मळवानी होय छे ते मळवा मांडे छे। ज्यारे ऊंचा होद्दा उपर पहोंचे छे त्यारे छोकराओ मोटा थई गया होय छे पण पछी जोवानुं होय छे के एमना हस्बेंड वच्चे जे डिसिशन्स लेवाना होय छे के एमने एक जग्याएथी बीजी जग्याए जवुं होय, अमदावादथी जैसे बेंगलोर जवुं होय, बेंगलोरथी हैदराबाद जवुं होय, हैदराबादथी कलकत्ता जवानुं होय के परदेश जवानुं थाय त्यारे हस्बेंडनी पोजिशन लगभग पूरी थवा आवी होय छे, ए लोको रिटायर थई गया होय छे के थवानी तैयारीमां होय छे। ज्यारे आ बहनोनुं मोटी पोजिशन उपर पोतानुं जे व्यक्तित्व जे मैनेजमेंटनु खुलवू जोईए ए एमनी ऑपर्च्युनिटी होय छे त्यारे ए लोकोने प्रॉब्लम थाय छे छोकराओना नहीं कारण के छोकराओ तो परणी गया होय छे के जता रह्या होय छे पण हस्बेंड ने वाइफ वच्चे हस्बेंड जशे एकला जशे एटले ते वखतनो जे चॉइस होय छे के हूँ ते घणी वार मैरिजेस लॉन्ग डिस्टन्स थई जाय छे, हस्बेंड एक जग्याए होय छे, वाइफ एक जग्याए होय छे। ज्यारे हूँ पहेला जोड़ाई आईआईएम मां त्यारे मारो दीकरो सुश्रुत 7 वर्षनो अने ज्यां सुधी हूँ इंस्टिट्यूट आती थी 11 वागे अने ए घरे आवे ए पहला हूँ घरे पहुँची जाऊँ त्यां सुधी जराय वांधो नतो आव्यो कारण के हूँ कायम ए जाए त्यारे घरे होऊं ए आवे त्यारे घरे होऊं वचमां में काम करेलुं होय पण पछी ज्यारे ज्यारे मने एम थयुं के हवे मारे आगळ वधवुं छे एटले मारे जवाबदारी लेवानी, मारे काम करवानुं, वेला आववानुं, हूँ भणाववानुं शरू कर्युं एटले मारे सुश्रुत स्कूले जाए ए पहला इंस्टिट्यूट आववानुं त्यारे घणा बधा दुविधाओ थाय कारण के ते वखते घणी स्त्रीओ काम नहोती करती। आज में तो इट्स एक्सेप्टेड के घणा लोको काम करे छे पण ते वखते घणा ओछा बयराओ आवी रीते काम करे त्यारे ज्यारे बी हूँ घरे आऊँ मां तमे केम जाओ छो। सो आज ये दुविधाओं होती है कायम मारे सुश्रुत ने समझाओ कि जो मारे मारा जीवन में कहीं करवू है, मारा जीवन माटे कहीं करवू है, हूँ आटली भणी छूँ, मारे भणतरनो उपयोग करवो है, मारे भणतर ने मारा माटे आगळ लाववू है ए एने कोई वार समझ नहीं पड़े अने घणी वार अमारे पछी वार्तालाप थाय, आर्ग्युमेंट थाय, झगड़ो थाय। फरी ज्यारे हूँ आगळ वधी ज्यारे मारू पीएचडी पती गयुं मारे कन्सल्टिंग शुरू थी ज्यारथी बहारथी इन्विटेशन आवा मांड्या જ્યારે મારે 2 દિવસ 3 દિવસ માટે બહાર જવું પડે ત્યારે એ દુવિધા સૌથી વધારે. પણ ત્યાં સુધી સુશ્રુત બી લગભગ 12-13 વર્ષનો થઈ ગયો. મારા મનમાં થાય હવે 13 વર્ષનો છોકરો છે એ તો ઘરમાં રહી શકે, એના પપ્પા ઘરે છે, ઘરમાં બીજું બધી સગવડ છે. પણ એ જે મેં ડિસિઝન લીધેલું કે હું કન્સલ્ટિંગ કરવાની, કારણ કે જો મારે ભણાવવું સારું ભણાવવું હોય તો મારે ઇન્ડસ્ટ્રીનો અનુભવ જોઈએ. ઇન્ડસ્ટ્રીનો અનુભવ હું કામ કરીને ના લઈ શકું પણ કન્સલ્ટન્સી તરીકે હું જરૂર લઈ શકું. તો મારે 1 દિવસ જવાનું, 2 દિવસ, પછી 3 દિવસ, પછી 4 દિવસ, પછી 5 દિવસ. પછી મેં જ્યારે પ્રોગ્રામ કરવા માંડ્યા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ ત્યારે 3 દિવસ જવાનું, ત્યારે 4 દિવસ જવાનું, ત્યારે 5 દિવસ જવાનું. તે વખતનો જે સમય હતો એ બહુ મુશ્કેલીનો, કારણ કે સુશ્રુતને એમ લાગે કે માં તો આખો વખત બહાર જાય છે, તે વખતે મારા હસબન્ડને લાગે હું ઘરમાં છું નહીં, જવાબદારી એ લોકોએ સાચવવાની. એટલે તે વખતે જરા દુવિધાઓ ઘણી હતી. સી IIMમાં હું વિચાર કરું જ્યારે પહેલાં મેં જવાબદારીઓ લીધી, અને જવાબદારીઓ જેમ કે અમારા જે MBA PGPનો પ્રોગ્રામ છે તેમાં જે ફેકલ્ટી ભણાવે એની કમિટીમાં મારે મીટિંગ કન્ડક્ટ કરવાની. ત્યારે પહેલાં જ્યારે એ લોકો ફેકલ્ટી મારા કોલિગ્સ ઉશ્કેરાઈ જાય ત્યારે પહેલાં મને એમ લાગે કે મેં કંઈ ખોટું કર્યું, કે મેં બરાબર નહીં કર્યું, કે મેં સારું નહીં કર્યું, કે મારે આમ નહોતું કરવું જોઈતું. પણ જેમ જેમ મને અનુભવ થતો ગયો તેમ મને એમ લાગ્યું કે ના, ડિસિઝન્સ લેવાના છે તે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે લેવાના છે, ડિસિઝન્સ લેવાના છે તે PGP માટે લેવાના છે. તો બધાના જુદા જુદા અભિપ્રાયો તો રહેવાના, એ બધા અભિપ્રાયોને કઈ રીતે એક ડિરેક્શનમાં લઈ જવું એ મારી અનુભવ થયો. આપણા સમાજમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે ઘણા બધા ડિસ્કશન્સમાં કે જે સ્ત્રીઓ સફળતા પામી છે, જે સ્ત્રીઓ બહુ આગળ આવી ગઈ છે, ઊંચી આવી ગઈ છે, એ લોકોને બીજી સ્ત્રીઓને આગળ આવવા દેવા નથી. એ લોકોને બને ત્યાં સુધી એવું કરવાનું કે એ લોકો નીચે રહે. અને કહેવામાં આવે છે કે સ્ત્રીઓને બહુ જલ્દી કોમ્પિટિશન થઈ જાય છે, ઈર્ષ્યા આવી જાય છે વગેરે વગેરે. પણ મેં જોયું છે કે જે સ્ત્રીઓ સફળતા પામી છે એ લોકોને ઘણી વાર એમ થાય છે કે બીજી સ્ત્રીઓ આગળ આવે, અને એ માન્યતા જ ઘણી ખોટી છે. થતું હશે, એ તો પુરુષોમાં બી થાય છે, પણ સ્ત્રીઓ ઘણી બીજા સ્ત્રીઓને આગળ લાવવામાં પ્રયત્ન કરે છે. કે જે બહેનો સાચે આત્મવિશ્વાસ હોય અને સફળ થયા હોય એ લોકો સ્ત્રીઓને અને પુરુષોને બંનેને પ્રોત્સાહન આપે છે અને આગળ આવવાનું પ્રોત્સાહન આપે છે અને મદદ બી કરે છે. But then we come back to the same question now. What is it that you are going to initiate, independent of what they have said, system has said, expectations.